हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? बच्चा पार्टी, सभी को आवाज आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। हेलो हेलो सुल्तान जी, गुड आफ्टरनून। श्लोक पांडे जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आ रही है। और बताएं कैसे हैं भाई? स्क्रीन सभी को दिख रही है जो मैं लिख रहा हूं? ये सबको दिख रहा है बता देना, ये सब कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को? ये आप लोगों को दिख रहा है ना? अच्छा, क्रिस्टल के लिए। ओके, तो आ जाए आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। फिर अपन स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी, आपका चैप्टर है ना आज। अब मैं क्या स्टार्ट किया था? मैंने रेजोनेंस स्टार्ट किया था, ठीक है ना। आज आज तक जितना पढ़ा दूंगा वो सब आपका क्या आएगा? वो सब आपका किसमें आएगा? एग्जाम में आएगा। तो बताओ बच्चा पार्टी, आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। बुक्स लगाना स्टार्ट कर दी। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग तो मुझे बताएं भाई। सर टेस्ट में क्या आएगा? जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा बच्चा, जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। सुल्तान जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, लव यू, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से आ जाएं, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हमने पहले स्टार्ट भी किया था। क्या क्या स्टार्ट किया था बच्चा पार्टी? हमने स्टार्ट किया था आपका रेजोनेंस स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? रेजोनेंस, याद है ना? क्या स्टार्ट किया था? रेजोनेंस स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए फिर सभी लोग, जल्दी से आ जाइए तो हम स्टार्ट करें। रेजोनेंस कैसा होता है आज हम रेजोनेंस की, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी भी पढ़ेंगे, इन सबको आज अपन पढ़ेंगे और यहां तक आपको खत्म कर देंगे, ठीक है? तो आ जाए भाई जल्दी से आ जाए। कोई सजेशन देना सर? आइसोमेरिज्म पूरा आएगा? हाँ पूरा आएगा, पूरा आज तक जितना मैंने पढ़ा दिया, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और आपका एरोमेटिसिटी, सब आएगा बच्चा पार्टी, सब, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब आएगा। तो स्टार्ट करें रेजोनेंस। तो हमने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कौन से कम, जब हमने बेंजीन बनाई थी, ठीक है ना, हमने बोला था ये क्या नहीं है बेंजीन, ये आपस में क्या नहीं है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है? ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स को अपन ने क्या बोला था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इनको अपन ने क्या बोला था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला था, ठीक है ना। तो ये क्या था? तो फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर था क्या था? वो था रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या था बच्चा पार्टी? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता था, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? हेलो जो भी है खान जी, हेलो। तो देखो इनको बोलते हैं अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने कंडीशन बताई थी कौन सा कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। फिर हमने इसके बाद बताया था कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस बता दी थी, है ना। हमने बोला था जैसे कुछ कंडीशंस लिख देता हूँ, प्लस सिंगल डबल हो, डबल सिंगल डबल हो, है ना, डबल सिंगल ट्रिपल हो, है ना, और आपका फ्री रेडिकल सिंगल डबल हो, है ना, कार्बन आयन सिंगल डबल हो, है ना। इस तरीके से हमने बताया था आपको, ये सब क्या शो करेंगे? रेजोनेंस को शो करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, यहां पे यदि हम पूछते हैं आपसे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हिमांशु, हिमांशी सिंह जी जल्दी से आ जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहां पे, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा था यहां पे, मैंने पूछा था ये कंपाउंड का ये कंपाउंड क्या रेजोनेंस को शो करेगा? बताओ बच्चा पार्टी, क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा? बताओ क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा बच्चा पार्टी?
नहीं करेगा। हमने कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस तक बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लस सिंगल सिंगल डबल आ गया। क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा? ये मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे बच्चा पार्टी पिछली क्लास में, CH2 प्लस, क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा? गुड आफ्टरनून शिवानी पाल जी, बताओ क्या ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दूसरा वाला रेजोनेंस शो करेगा? बताओ नहीं करेगा। वेरी गुड वेरी गुड रवि देवी, नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा बच्चा पार्टी? बोलो क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा? गुड आफ्टरनून संगीता कुमारी जी, बिल्कुल करेगा करेगा। ठीक है ना, अच्छा अब आपसे पूछा जाए क्या ये कंपाउंड बच्चा पार्टी रेजोनेंस शो करेगा? बताओ ये वाला कंपाउंड OH, क्या ये वाला कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा? फिनॉल क्या रेजोनेंस शो करेगा? बोलो, जस्ट अल्टरनेट होना चाहिए, नॉन पेयर सिंगल डबल ऐसी भी कंडीशन मिलेगी तब भी क्या करेगा वो रेजोनेंस शो करेगा। तो इसके पास क्या है? नॉन पेयर है, ठीक है ना, तो क्या है? नॉन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, तो ये क्या शो करेगा बच्चा पार्टी? तो ये शो करेगा, गुड आफ्टरनून शिवानी जैन, है ना, ये क्या शो करेगा? ये आपका रेजोनेंस को शो करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये तब तो मैंने बात की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, बात की थी रेजोनेंस की, बात की थी कंडीशंस की, बात की थी पिछले लेक्चर में। कंडीशंस बता दिया था ना, वॉइस नहीं आ रही है, किस किस बच्चे को वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है सभी को? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में भाई, सभी को वॉइस आ रही है? क्लियर? वॉइस नॉट क्लियर, अभी हम करवाते हैं, रुको, वेट 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 बच्चा पार्टी वेट। ठीक है ना सर, आवाज बहुत लग कर रही है। अच्छा सर, वॉइस बहुत खराब आ रही है। ओके ओके ओके, क्लियर नहीं? ओके ओके बेटा, देखते हैं अभी, आज देखते हैं। वेट 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 अ मिनट, बस वेट करो थोड़ा सा, वेट करो। क्लास में आना सर, क्लास में आओ, ये स्टूडियो नंबर 2 में आओ। अभी आ रही है सभी को आवाज? अरे सर देखना, इसमें आवाज नहीं आ रही बच्चों के लिए, वो सर फेड हो रही है आवाज। हेलो, हेलो बच्चों, आप सही आ रही है क्या? अब आ रही है, सेंसिटिव हो गया है बच्चे, लिख रहे हैं दीपांशु, लग रहा है माइक बहुत सेंसिटिव हो गया है। वो बेटा वैसे ही सेंसिटिव है। अब क्लियर है? यस नाउ क्लियर। आपके आते सर क्या जादू हो जाता है, सब सही हो जाता है। ओके नाउ क्लियर, तो करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सीख लेते हैं यहाँ पे किसको, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। ठीक है ना, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाएंगे? देखो बच्चा पार्टी, जैसे मान लो इस ये पहले ये बताओ, ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा? सबसे पहले तो ये बताओ, बताओ बच्चा पार्टी क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा? बताओ, पहले तो ये बताओ ये कंपाउंड क्या रेजोनेंस को शो करेगा? बोलो बच्चा पार्टी क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा? यस करेगा। तो करेगा तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताओ बच्चा पार्टी? ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? यहां पे, तो क्या बनेगा यहां पे? CH2, है ना, है ना, CH2 प्लस
यहाँ पे क्या गया? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चा पार्टी, एक मिनट एक मिनट, इसको अपन काट लेते हैं फिर अपन करते हैं। सी एच टू माइनस यहाँ पे आ गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यही बनेगा। अच्छा ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये क्या है इनको, ये कैसे स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा तो फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? यदि हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे बच्चा पार्टी तो कैसे बनाएंगे? सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सी एच टू। अब यहां भी क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। यहां भी क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। इस पर क्या आ रहा है? पार्शियली नेगेटिव आ रहा है। यहां भी क्या आ रहा है? पार्शियली नेगेटिव, उस पर पार्शियली पॉजिटिव। ये कैसा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ये वाला होगा। बोलो बच्चा पार्टी सही हुआ है ना। अच्छा जैसे मान लो इस कंपाउंड का बताओ, इस कंपाउंड में बताओ बच्चा पार्टी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी एच टू सी एच सी एच टू प्लस, इसका बनाओ। क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा? करेगा शो, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। अच्छा और बताओ बच्चा पार्टी, ये वाला सी एच थ्री आपको इस तरीके से दे दिया जाए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, क्या ये कंपाउंड शो करेगा? सर बीच वाला पार्शियली पॉजिटिव क्यों हुआ? वो तो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा ना। देखो ऐसा नहीं है, इसलिए हुआ पार्शियली पॉजिटिव, इसलिए होगा देखो बच्चा पार्टी, क्योंकि यहां पे वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ रही है, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो आ रहा है, न्यूट्रल भी तो हो रहा है, वो न्यूट्रल भी तो हो रहा है, वो न्यूट्रल भी तो हो रहा है, समझ निकल के सोच जी, वो न्यूट्रल भी तो हो रहा है। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। अच्छा तो ये करेगा तो फिर कैसे बनाओगे इसका बताओ? ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? यहां पे। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? यहां पे। तो इसका क्या बनेगा बच्चा पार्टी? सी एच टू यहां पे क्या आएगा बोलो? प्लस। और यहां पे क्या आएगा? सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो ये क्या है दोनों? ये दोनों के, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हाइब्रिड क्या बनेगा इसका? सी एच टू यहां भी क्या आएगा? पार्शियली निगेटिव, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी क्या आएगा? पार्शियली डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज कहां का आ रहा है? यहां भी और यहां भी। क्लियर हो गया? अच्छा इसका बताओ, इसका कैसे बनाओगे? नहीं नहीं निखिल किशोर जी, उस पर हमने बताने को बता दिया है पार्शियली पॉजिटिव। यदि आप पार्शियली पॉजिटिव लगाओगे भी नहीं तो गलत नहीं है आपका, ठीक है ना। तो आपका गलत नहीं है निखिल किशोर जी, याद रखना। यदि आप पार्शियली पॉजिटिव नहीं भी लगाओ तो गलत नहीं है, ठीक है। आप नहीं लगाओ तो कोई भी बात नहीं, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे यदि आपको लिखना हो। सी एच टू सी एच सी एच टू माइनस माइनस, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल निखिल किशोर जी कोई गलत नहीं है। यहां पे बताओ बच्चा पार्टी, अच्छा इस, ये रेजोनेंस शो करेगा बताओ? ये कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या रेजोनेंस शो करेगा बच्चा पार्टी? तो मुझे बता दो, तो मुझे बता दो यदि ये कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, क्या रेजोनेंस शो करेगा ये कंपाउंड? यस करेगा निखिल किशोर जी। तो कैसे करेगा बताओ? इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी? तो बनेगा आपका सी एच टू, क्या बन जाएगा? सी एच टू सी एच, और यहां भी क्या आ जाएगा? ओ एच। यहां पे क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहां भी क्या आ रहा है? पार्शियली डबल बॉन्ड। इस पे क्या आएगा? पार्शियली लोन पे। यहां भी क्या आ रहा है? तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं रेजोनेंस हाइब्रिड, अब आप बनाना सीख गए होंगे, ठीक है ना। इसका भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ये बनेगा। देख लो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चा पार्टी तो ये बनेगा सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और हाइब्रिड क्या बनेगा? ये वाला एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, यदि हमें यहां पे एक बात तो हमें यहां पे समझ में आ गई बच्चा पार्टी, यदि हम बोलें, हम यहां पे बोल सकते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, हमने पहले भी बताया, इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी, या इनको बहुत से लोग हाइपोथेटिकली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकली। समझना, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज मैं, हाइपोथेटिकली, ठीक है ना। अच्छा और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड वो कैसा होता है बच्चा पार्टी? वो होता है रियल।
कैसा होता है रियल। और वो कैसे बनता है, वो होता है कॉम्बिनेशन, जितने भी सारे कॉम्बिनेशन होता है सभी कॉम्बिनेशन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसका कॉम्बिनेशन होगा, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होगा। किसका, और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका कॉम्बिनेशन कौन होगा, आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अच्छा जैसे मैं मान लो ये कंपाउंड दे दूं आपको, मैं इससे पूछूं आपसे ये वाले कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ मुझे, चलो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, बताओ आप इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो कैसे बनाएंगे, फिनॉल के तो कैसे बनाएंगे बच्चा बाडी, यदि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं बताओ, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, बताओ बच्चा लोग कैसे बना लोगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। तो देखो यदि हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चा पार्टी, देखो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड पूरे में क्या आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है ना, यहां भी क्या आएगा बच्चा पार्टी, डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे क्या आएगा OH पार्शियली नेगेटिव, यहां भी आएगा, यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, और क्या हुआ ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अच्छा तो मतलब आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना आ जाएगा, ठीक है ना, फिनॉल का हो गया जैसे मैं मान लो इस तरीके के कंपाउंड का और दे दूं, ठीक है ना, एक देखना आप यहां पे फिनॉल हो गया, जैसे मैं मान लो आपको ये वाला कंपाउंड दे दूं CH2+, इसका बताओ क्या बनाओगे, बताओ जीरो लोन पे नहीं है सभा खान, उस पर एक देखो आप ऑक्सीजन ने कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 2 शेयर किए हैं, अब इसके बाद 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं बच्चा, कितने पड़े हुए हैं, 2 लोन पेयर समझो, ठीक है ना, 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या हुआ डेलोकलाइज होगा इसमें, ठीक है। अच्छा यहां पे बताओ तो इसका क्या बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, देखा जाए तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वो कैसे आएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या आएगा बोलो, पार्शियली पॉजिटिव, यहां भी पार्शियली पॉजिटिव, यहां भी पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है इतना क्लियर, इतना क्लियर, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब आप रेजोनेंस बना लेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे बच्चा लोग, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि अब मैं इसके बाद जो स्टार्ट करने वाला हूं, मान लो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे दिए जाए बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे आपको क्या बना दिए जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताओगे ये अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। और याद रखना इस बात को, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द क्या हो जाएगा बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है। अच्छा तो ये बात ध्यान, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी किसकी, मॉलिक्यूल और आयन की, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें, जैसे हम बात करें यहां पे आपकी, हम बात करते हैं अब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, समझना आप यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 या 5 रूल्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लोगे तो आपको क्या आ जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना आ जाएगा। तो देखो बच्चा, जैसे मान लो पहला रूल दिया गया है आपको, पहला बोला जाए जितने ज्यादा विच हैज मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, है ना, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे आपको ये दे दिया CH3OCH2+, समझना यहां पे, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक है ना, और इसका जो सेकेंड हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, फर्स्ट और सेकेंड हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया CH3O, यहां पे ले लेते प्लस और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो बताओ बच्चा पार्टी,
यहां पे हम देखें, यदि अब हम यहां पे देखें कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड देख लो, यहां पे कितने हैं दो, यहां पे कितने हैं तीन, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पे तीन, तो सेकेंड वाले में कितने हैं तीन कोवेलेंट बॉन्ड, एक दो तीन, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकेंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से। क्लियर हो गया है ना? तो देखो, और आप ऐसे भी समझ सकते थे फर्स्ट वाला, देखो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो यहां पे दूसरे वाले में क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देखो इसका लोन पेयर था है ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होती है बच्चा पार्टी बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी, हमने पहले ही बताया था, जब जब मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज करेगा तब तब मॉलिक्यूल क्या होगा स्टेबल स्टेट में आता है, यूनिवर्स की एक खास बात है, जब जब मॉलिक्यूल क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरा चलते हैं, तो देखो बच्चा पार्टी दूसरा दिया मैंने, तो देखो ये प्रायोरिटी वाइज भी लिख रहा हूं, नंबर वन प्रायोरिटी आपको देखना है, यदि मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गए तो आप किसको ज्यादा स्टेबल बना दोगे फर्स्ट वाले को, ठीक है ना, उसी को दे दो जिसमें, तो ये प्रायोरिटी भी सबसे नंबर वन, मैं प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूं आपको मॉलिक्यूल में प्रायोरिटी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं रूल्स भी आपको प्रायोरिटी वाइज दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा पॉजिटिव, अरे बेटा अभी वो नहीं, आप जो बोल रहे हो ना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ भाई यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे हम कोवेलेंट बॉन्ड को प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी है विच हैज मोर कोवेलेंट बॉन्ड, यदि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे फरीन जी तो उस केस में चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो ऑक्सीजन पे चाहे ना हो फिर भी वो स्टेबल रहेगा, इस बात को ध्यान रख लो, मुझे पता है तुम कौन सा रूल बता दो, मैं अभी आगे उस रूल का बात करूंगा, ठीक है ना, है ना, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया फरीन जी, इतना क्लियर, क्यों प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, हमें पहले सबसे पहले मॉलिक्यूल में देखना है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होना चाहिए ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रायोरिटी देखो बच्चा पार्टी, यदि आपको दूसरा दे दिया जाए, दूसरा आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दे दिया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा पार्टी, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना CH2 CH डबल बॉन्ड NH2, इस पे प्लस आया इस पे माइनस आया, अब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो इस केस में आपको देखना है, याद रखना दूसरी प्रायोरिटी है न्यूट्रल स्पीसीज, जो आपकी न्यूट्रल स्पीसीज होगी, ठीक है ना, क्या होगी न्यूट्रल स्पीसीज, वो ज्यादा स्टेबल होगी हमेशा चार्ज स्पीसीज से है ना, चार्ज स्पीसीज से क्या होगी ज्यादा होगी, मतलब न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज वाले से, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो बताओ बच्चा पार्टी, अच्छा देखो अब यहां पे हम देखें, पहले हम डबल बॉन्ड देख लेते हैं, देखो डबल बॉन्ड देख लेते हैं, तो देखो यहां पे जब हम डबल बॉन्ड देखें, यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो उसमें भी कितने दो और एक तीन, इसमें भी कितने दो और एक तीन, दोनों में ही तीन है, अब हम देख रहे हैं यहां पे न्यूट्रल कौन है, तो न्यूट्रल कौन सा वाला है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा इस केस में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर हो रहा है, फर्स्ट मोर स्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी बिल्कुल, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक एक क्वेश्चन से करा रहा हूं आपको, इससे अच्छे तरीके से आसान तरीका नहीं है इसका समझने का, मैं एक एक क्वेश्चन लेता जा रहा हूं इसीलिए, क्योंकि और मैं इसके पे क्वेश्चन भी बहुत सारे कराने वाला हूं, अभी देखना सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखो अब हम बात करें तीसरा रूल बात करते हैं, अभी हमने पहले रूल की बात की, पहला क्या था मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, दूसरा क्या था न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा होगी स्टेबल चार्ज स्पीसीज से, ठीक है ना। तीसरा अब मैं लिख के दे दूं आपको CH2 डबल बॉन्ड CHO, क्या लिख रहे हो आप लोग भाई, देख लें सुन लें आपके भी कमेंट देख लें, है ना। अच्छा यस ठीक है, तो देखो क्या है CH यहां पे नेगेटिव है ना, और इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये बॉन्ड हम यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, ये आपको ये चीज दे दी जाए समझना। तो देखो यहां पे ध्यान रखना एक बात, मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, इसको मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बोला, इसको मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर बोला, समझ लो बच्चा, जो अभी फर्स्ट टाइम जिसको किसको डाउट था फरीन को डाउट था तो वो देखो क्लियर हो जाएगा। अब हम यहां पे देखना कोवेलेंट बॉन्ड, पहले इसमें भी दो और एक तीन, इसमें भी दो और एक तीन सेम है। अच्छा न्यूट्रल तो कोई नहीं है, नहीं दोनों में से कोई न्यूट्रल नहीं है, दोनों चार्ज स्पीसीज है,
तो देखो कैसे देखेंगे, अब आप देखेंगे निगेटिव, देखो तीसरा भी निगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम समझ लो यहां पे, है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना क्लियर हो गया। अच्छा यदि देखो, यदि हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब क्या होगा, ये मैं वाइस वर्सा लिख रहा हूं, वाइस वर्सा मतलब ये दोनों रूल हैं। अब मैं एक काम करता, तीसरा रूल बोलता इसको, पर चौथा बोलता, पांचवा बोलता, मैं दोनों यही बता दिए, तो वो अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल, या हम इसको बोल सकते हैं अनस्टेबल, क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। कैसा होगा वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है अच्छा, तो देखो बच्चा पार्टी, फिर कौन सा हो जाएगा बताओ इसमें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा स्टेबल, फर्स्ट वाला ज्यादा हो जाएगा सेकेंड से, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है बच्चा पार्टी, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ज्यादा होगा। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए, आकाश मिश्रा जी सुनिए फिर से, यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, यदि पॉजिटिव होगा ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अलग है, ये दूसरा रूल है, दो मैंने इकट्ठे बता दिए यहां पे, चौथा पांचवा भी कर सकते हो, तो पॉजिटिव चार्ज यदि होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल मतलब अनस्टेबल होगा। ठीक है, मतलब आपको जो जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम दे दिए जाए, ठीक है ना, एक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड सेम दे दिया, फिर आप क्या देखो न्यूट्रल देखो, यदि न्यूट्रल नहीं है कोई, फिर चार्ज देखो, चार्ज में आप क्या देखोगे, यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको स्टेबिलिटी क्या दे दोगे, ज्यादा दे दोगे। ठीक है क्लियर हो गया, और यदि पॉजिटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो उसको क्या दोगे, उसकी स्टेबिलिटी आप कम कर दोगे, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी, अनस्टेबल हो जाएगा। अब बताओ यहां तक क्लियर बच्चा, आकाश सॉरी आकांक्षा मिश्रा क्लियर हुआ, बोलो आकांक्षा क्लियर हुआ, बोलो आकांक्षा क्लियर हो गया। तो ये चार रूल थे, ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बता दो, मैं एक रूल और बताऊंगा, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा क्वेश्चन से, है ना, अभी अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है बताओ, सुल्तान बोले नो सर, क्लियर नहीं है, शिवानी जैन क्लियर नहीं, अच्छा नो डाउट, निखिल किशोर जी, सुल्तान जी डाउट है क्या आपको, कुछ पूछना है शिवानी जैन, कुछ पूछना है, नहीं है, अच्छा ओके ओके, तो क्रिस्टल क्लियर ना, मजा आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैं देखता हूं कौन सा बच्चा आंसर बता पाता है इसका, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अरेंज, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आपको ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का बच्चा पार्टी, तो कैसे बताओगे, देखो ऐसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस फर्स्ट, ठीक है ना, सी ओ माइनस प्लस, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और फिर से मैंने लिख दिया यहां पे ओ माइनस, और यहां भी क्या है बच्चा पार्टी, ओ माइनस है, ठीक है ना, इसको मानना सेकेंड, ठीक है, थर्ड क्या बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर, थर्ड ये है, देखो एक मिनट, क्योंकि स्ट्रक्चर सर सेम नहीं होना चाहिए, सी ये सारे कॉम्पिटिशन किसी ना किसी नीट में आए हुए हैं, कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है ना, ओ माइनस इस पे क्या है, नेगेटिव है, बताओ ये फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया बच्चा पार्टी, बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर जल्दी से बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, बताओ यदि ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चा पार्टी, तो बताइए कैसे होगा, कोई बता सकता है इसमें क्या आंसर होगा बच्चा पार्टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही सीबीए, बिल्कुल सही, तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा,
फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि हमने क्या देखे बच्चा पार्टी में, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखे, तो उसमें कितने थे, दो, एक तीन और एक चार। फिर उसके बाद कौन सा होगा बच्चा पार्टी, फिर हो जाएगा देखो, अब देखो जब ये देख लिया, अब हमने देखा न्यूट्रल स्पीसीज तो यहाँ पे कोई है नहीं, फिर हमने देखा चार स्पीसीज में क्या देखना था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा बच्चा पार्टी, फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। रे इतना क्लियर हुआ बच्चा पार्टी, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच फर्स्ट, देखते हैं यहां पे कौन बताया। बिल्कुल सही बोला बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला। देखो फर्स्ट, फिर देखो बच्चा पार्टी, एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे अरे गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट क्वेश्चन लिख देता हूं दोबारा से सही सा, है ना, सही सा क्वेश्चन लिख देता हूं। एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, फर्स्ट सेकंड लिख रहा हूं मैं, एच सी ओ माइनस, ये भी किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ये हो गया, ठीक है। थर्ड लिख रहा हूं मैं, एच सी ओ माइनस ओ एच, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत लेके आऊंगा मैं, चिंता मत करो। थर्ड और फोर्थ हो गया बच्चा पार्टी ये वाला, देखो एच सी ओ प्लस माइनस ओ एच, बताओ बच्चा पार्टी कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अब बताओ यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वेरी गुड संगीता कुमारी जी, बिल्कुल संगीता कुमारी का मैं नाम लिख देता हूं यहां पे सुनहरे अक्षरों में, इसलिए क्योंकि इसने सबसे फास्ट आंसर दिया है। बिल्कुल 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 बच्चा पार्टी, बिल्कुल मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर दिया है। कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी, फर्स्ट वाला, कौन सा, फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि इसमें देखो दोनों में ही क्या थे, चार चार कोवेलेंट बॉन्ड थे भाई, लेकिन ये कैसी स्पीसीज थी, न्यूट्रल, इसलिए हमने किसको दे दिया, फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को। फिर हमने बताया था यदि चार स्पीसीज देख रहे हैं तो फिर हम देखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो थर्ड के बाद कौन सा था, फोर्थ, ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। रे क्लियर हुआ बरखोदार, क्लियर हुआ ना, चले आगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं यहां पे कौन सा बच्चा आंसर दे पाता है, देखते हैं ना। तो देखो भाई बताओ मुझे, पहला ये भी क्वेश्चन सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। एन डबल बॉन्ड एन माइनस प्लस, पहला दे दिया मैंने, और फिर दूसरा क्या ले लिया बच्चों के लिए, सी एच टू प्लस एन डबल बॉन्ड एन माइनस, इसको सेकंड मान लिया। फिर हम देखते हैं बच्चा पार्टी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना भाई, CH2 माइनस एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन, ये मैंने थर्ड ले लिया, और फोर्थ वन ले लिया बच्चा पार्टी, कौन सा, CH2 माइनस एन डबल बॉन्ड एन प्लस, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिर्फ चार ही रूल है, मैंने चार बताए, बोले एक सर ने बताए थे चार रूल बताए थे, वो भी कौन सा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखने हैं सबसे पहले, फिर अपने को देखना है न्यूट्रल स्पीसीज, और चार्ज स्पीसीज में क्या देखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, और क्या यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, थर्ड स्टेबल होगा। अरे बच्चा पार्टी सही ढंग से आंसर दो, सोच समझ कर आंसर दो रे, सोच समझ कर। संगीता कुमारी जी बिल्कुल सही बोला, देखो आसान क्वेश्चन तो नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल सही बोला संगीता जी, बिल से फिर से जीत चुकी हैं बिल्कुल इस कॉन्टेस्ट, क्या बोलते हैं कॉन्टेस्ट को, बिल्कुल जीत चुके हैं, ठीक है ना। फर्स्ट थ्री टू फोर, बिल्कुल जो बच्चे फर्स्ट थ्री टू फोर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं।
देखो बच्चा भाई, सबसे पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखना है। अब आपने कोवेलेंट बॉन्ड देखे तो देखो भैया सब मॉलिक्यूल देखे, दूर से देखा नहीं, पास से देखो उनको, दो दो चार, तीन और एक चार, दो और एक तीन, दो और एक तीन, मीन्स यहां पे कितने हैं, चार चार हैं। अब आपको पता है ये दोनों कैसी हैं, चार्ज स्पीसीज हैं। जब चार्ज स्पीसीज हैं तो आपको देखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला, फिर उसके बाद बताओ बच्चा पार्टी कौन सा होगा, सेकंड वाला, फिर उसके बाद फोर्थ वाला। ये क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी की ऑर्डर हो जाएगी, किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। क्लियर हुआ तो मुझे बता दो भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, क्रिस्टल क्लियर बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, बताओ। फिर मैं और क्वेश्चन कराऊं, नहीं तो फिर नहीं कराऊं, बताओ। देखो यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं, यदि जो बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर सही देगा तो उसको चलो मैं चॉकलेट खिला दूंगा, यदि उसने आंसर गलत दिया तो मुझे चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, बताओ। डील पक्की करें? अरे बेटा ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक बात मैं बता दूं, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चा पार्टी, ये रेजोनेंस शो करेगा, है ना, कैसे करेगा, है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, कई टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं निखिल किशोर जी, है ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, डोंट वरी। बताओ जब आप बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट फर्स्ट में सिंगल बॉन्ड नहीं है सर, तो कोई बात, सिंगल बॉन्ड नहीं है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, नहीं है, ये ऐसे डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, देखो यदि ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा फिर से क्या आ जाएगा, इस पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है, देखो ये दोनों, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करो इस पर प्लस, ये प्लस और माइनस क्या बना लेगा फिर से बोलो, तो उससे मतलब नहीं है ना, उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज भी तो है, यहां पे तो सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है, शिवानी जैन जी वहां पे नेगेटिव भी तो है, ये भी तो देखो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, आपको यदि एक भी नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, आप प्रायोरिटी उसको ज्यादा दे दोगे भाई, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। निखिल किशोर जी क्लियर हो गया, निखिल किशोर जी क्लियर हो गया भाई तो बता दो, समझो तुम खुद ही देखो ना, यहां पे ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर से प्लस चार्ज आई, दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। अच्छा तो क्लियर हो गया अपना, बताओ क्या डील किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ। यदि तुमने आंसर सही दिया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगा तुम्हें, जो सबसे पहले, नहीं तो आप लोग मुझे सब लोग चॉकलेट खिलाओगे, बताओ। जिस बच्चे का आंसर गलत, डील पक्की है, फाइनल करें, बताओ। वो भी ये नहीं कि आसान वाली सस्ती वाली चॉकलेट खिला दोगे भाई, अच्छी वाली चॉकलेट खाएंगे, बताओ। ओके पक्का, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, चलो तो क्वेश्चन दें, डन दो, तुम लोग डन ना डन बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो पहले बता दो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो पता चले मैं, तुम लोग यहां प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हो। ओके ठीक है, डन 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 डन, तो देख लेते हैं बच्चा पार्टी क्या होगा, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स बताते हैं कौन सा बच्चा आंसर देगा। डन, समझ लेना चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, ठीक है चलो। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, ये दे दिया फर्स्ट, ठीक है, सेकंड हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3, ये सेकंड दे दिया, बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, वन टू बताओ भैया आंसर क्या बोल रहे हो, ये था टू वन के साथ, मैं सीधा बोल रहा हूं, तुम लोग टू वन बोल रहे हो आंसर, सभी लोग टू वन बोल रहे हो, लॉक कर दिया जाए, मतलब क्या तुम बोलो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये स्टेबिलिटी ज्यादा है, सही बोल रहे हो, ये लॉक कर दिया जाए, मतलब मुझसे तुम चॉकलेट जीत के रहोगे क्या, है ना। शिवानी जैन जी लिख रही फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कैसे हो जाएगा, क्यों, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट।
अरे भाई तुम लोग तो ड्रॉ मैच खेल रहे हो। सही बात है, सही बात है सर। लॉक कर दो सेकंड इज फर्स्ट। ठीक है, ये लॉक कर दें सभी लोग। देख लो भाई पहले बता दो, सभी लोग लॉक करवा रहे हैं। हाँ लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। शिवानी जैन लॉक कर दिया जाए, क्योंकि मैं तुम्हें से इसलिए पूछ रहा हूँ तुमने फर्स्ट बोला है। अच्छा ये बताओ, जल्दी बताओ भाई, मतलब यही वाला लॉक कर दिया जाए जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये लॉक कर दिया जाए। चलो देखो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, लॉक कर दिया जाए। शिवानी, मैं जिस किस किस से पूछ रहा हूँ, मैं फिर से पूछ लेता हूँ, जिसने फर्स्ट वाला दिया शिवानी जैन, ठीक है ना? शिवानी जैन ने दिया था, शिवानी ने भी दिया था ये आंसर, और किसी ने नहीं, शिवानी जैन। ठीक है, हाँ सर। तो देखो चॉकलेट तो मैं जीत गया हूँ। पूछो क्यों यार शिवानी, तुम अपने आंसर पे टिकी रहती तो तुम्हारा आंसर सही होता, ठीक है ना? मैं चॉकलेट जीत गया है ना। कितने का सवाल है? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप क्या सवाल है, अब तो मैं जीत गया ना, चॉकलेट खिलानी पड़ेगी दीपांशु गुप्ता जी, तो मैं भी, ठीक है ना? अब तो चॉकलेट, आज कितने बच्चे हो, सारे लोग मुझे चॉकलेट खिलाओगे, ये एडजस्ट ही नहीं करेगा, ये नहीं होगा। दिखेगा दूर से, देखा तो तुझे ऐसा लगा जैसे मुझे इससे क्या है, दोस्ती है, ऐसा लगा है ना? ऐसे कैसे, क्योंकि सेकेंड वाला एडजस्ट ही नहीं करेगा बच्चा, डू नॉट एडजस्ट। ये इस पे क्वेश्चन आया था, अभी मैं दिखा रहा हूं वो भी क्वेश्चन, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, याद रखना कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, ठीक है ना? कभी वो पेंटावेलेंट शो नहीं करेगा, ठीक है ना? पांच मोंड नहीं बनाएगा, तो सेकंड वाला क्या नहीं करेगा, एडजस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है सर? नहीं दिखा देंगे, नहीं सर नहीं दिखा देंगे संडे को। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन क्या नहीं होगा, कभी भी पेंटावेलेंट शो नहीं करेगा। ऑर्डर हो गई नहीं, फिर फर्स्ट वाला कर दो, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला लिस्ट है सॉल्यूशन में, बनेगा नहीं लेकिन आप स्टेबिलिटी करो तो फर्स्ट वाला ज्यादा हो जाएगा ना फिर, है ना? एडजस्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं करेगा, तो फर्स्ट वाला स्टेबल हो गया ना, तो आप लिख सकते हो ना फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, क्यों? सेकंड तो जीरो कंटेंट है देखा जाए एक तरीके से, क्यों नहीं बनेगा भाई इंक्रीजिंग, जीरो वन टू थ्री क्यों नहीं बनेगा, है ना? तो ये आप लिखो ना फिर फर्स्ट इज ये वाला इस तरीके से। देखो इस पे एक क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट में, हाँ आप लिख सकते हो नहीं भी, ठीक है ना? क्वेश्चन इनवैलिड, अच्छा सही है, मतलब चॉकलेट से बच जाओ, है ना सुल्तान जी? दोस्त चॉकलेट से बच रहे हैं, बोल रहे हैं सर चॉकलेट ना खिलानी पड़े, इसलिए बच लो पहले ही। चलो इस पे क्वेश्चन आया था, देखो क्यों मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिशन में, देख लो बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन आया था तो देख लेते हैं। धोखा, धोखा बिल्कुल धोखा जरूरी है ना, प्यार बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, सब बदल दिया मैंने, ठीक है ना? ये मैं, ये मेरा क्वेश्चन, और ये हमारे प्यारे बच्चे, और क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी, ठीक है ना? अच्छा दीपांशु लेकर ना चॉकलेट दे गया, अच्छा तो मैं चॉकलेट दे गया तो गया। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ लीस्ट स्टेबल क्वेश्चन दे रहा हूँ, लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल का आंसर बताना क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा? पावरी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल पावरी हो रही है, पावरी है ना? तो देखो ये देखते हैं चपाटी, जज्बातों के साथ खेल रहे हो बच्चों की, अच्छा मैं क्यों खेल रहा हूँ भाई जज्बातों के साथ, है ना? मैं तो बिल्कुल नहीं खेल रहा, तो रूल है, मैं सिखा, देखो सीखने को मिलना चाहिए, सीखना मिला ना, इस पे क्वेश्चन आया था मैंने इसलिए वो क्वेश्चन आपको कराया। डबल बॉन्ड हो, अब आप इसका आंसर दे देना, ये प्लस लगा दिया, लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है ये, लीस्ट स्टेबल, बी ऑप्शन एक बताना है, कोई भी ऑप्शन, चार में से एक चॉइस करना है आपको, ये चार ऑप्शन दिए गए थे इस तरीके से, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, सी दिया गया था आपको इस तरीके से, एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ प्लस, और डी ऑप्शन दिया गया था इस तरीके से, एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस। बताओ बच्चा पार्टी, बी डज नॉट एग्जिस्ट, सोच लो भाई क्या आंसर दे रहे हो यार,
अभी उसी कॉन्सेप्ट पे होना है, इसका सी आंसर होगा बच्चा। देखो 5 2 2 4 1 5 सी आंसर, बिल्कुल सही सी आंसर होगा। दीपांशु बिल्कुल सही। संगीता कुमारी जी, रिंग में डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं करता। किसने बोला भाई रिंग में डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं करता? रिंग में डबल बॉन्ड एडजस्ट कर तो रहा है, सी होगा ना, अलग अलग डबल बॉन्ड है भाई वो। संगीता जी क्या सोच रहे हो? सी बिल्कुल, 5 पेंटावेलेंट नहीं, उसी पे क्वेश्चन आया था एक, ठीक है ना, एन नेवर बी पेंटावेलेंट, तो उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चा पार्टी, कितना क्लियर हो गया? अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो तो लास्ट रूल बता रहा हूं मैं, अब लास्ट रूल बता रहा हूं। मजा आ गया कि नहीं आया पहले बताओ? चॉकलेट मत, चॉकलेट की बात गई भाड़ में, पहले तुम ये बताओ मजा आया कि नहीं? एम्स में आया था शायद, अब देख लो तुम एम्स में। मैं सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में आए हुए करा रहा हूं, सो डोंट वरी, है ना। ओके मजा आ गया, चलो ठीक है। जो भी खान जी लिख रही है मजा आ गया, अंशिका सकलानी जी, गुंजन, शिवानी पाल, सुल्तान, साक्षी, मजा तो आएगा भाई। केमिस्ट्री तो अपन को सही करने, पब्लिक कितने 45 out of 45, एक भी गलत नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री में। यदि गलत हो गया तो समझ रहे हो, एक का कंसेशन दे देता हूँ मैं, 44 कर देता हूँ एक क्वेश्चन का। यदि 44 से कम क्वेश्चन सही हुए तो बस देख मत जाना रेडियस में भी, नहीं तो किससे उड़ा दिया जाओ, तोप से, ठीक है ना, तोप से। धीरे 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 मतलब नहीं सर, नो कंसेशन, नहीं कंसेशन नहीं देंगे हम, नो कंसेशन। चॉकलेट तो चाहिए भाई, हम जीते हैं, मैं हार जाता तब तुम खाते, मांगते नहीं मांगते, बोलते नहीं सर चॉकलेट चाहिए। देखो दो चार स्पीसीज दे दी जाए क्वेश्चन से पहले, ये रूल है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बाद में लिखाऊंगा। 2 चार्ज स्पीसीज हैं, आपको पता लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस पे क्वेश्चन आया था, मैं इसलिए बता रहा हूं, टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड, कैसे होना चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, फॉर अपार्ट, है ना। उसका मतलब क्या है, जब दूर दूर होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चा पार्टी, ज्यादा होगी, और पास पास होंगे तो रिपल्सन होगा, ठीक है ना। अच्छा और अनलाइक चार्जेस क्या होना चाहिए, अनलाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए बताओ बच्चा पार्टी, पास पास होने चाहिए। टू अनलाइक चार्जेस आर क्लोज ईच अदर, तो कैसे होंगे, जब पास पास होंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चा पार्टी, ज्यादा होगी रे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस पे क्वेश्चन आया था, देख लो क्वेश्चन, कराए, रेडी हो, रेडी स्टेडी एंड गो, बताओ बच्चा पार्टी रेडी स्टेडी एंड गो। तो देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूं, पूछा गया था लीस्ट स्टेबल, ये भी किसी कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, लीस्ट स्टेबल पूछा गया था, कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है ना। ओ से वो गाना सुना है, तू है जाने आसपास, है ना, वही वाला खेल है यहां पे। तो देखो एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, यहां पे प्लस आ गया, यहां भी आपका प्लस आ गया, यहां आपका क्या आ गया माइनस आ गया, यहां पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, एन डबल बॉन्ड ओ, आपको एक ऑप्शन बताना कोई भी, माइनस प्लस सी, माइनस प्लस डी, एन ओ माइनस, ओ माइनस प्लस, बताओ अच्छा पार्टी कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा रे, बताइए भाई कौन सा लीस्ट स्टेबल है। दीपांशु गुप्ता जी लिख रहे हैं ए, वेरी गुड दीपांशु, फिर काजल चौधरी ने भी ए लिखा है,
संगीता कुमारी ने भी, फरीन, अंशिका सकलानी, जोबिया खान, शिवानी जैन, सभी ने लिखा है। मींस मैं एक को लॉक कर देता हूँ, लेकिन जीते कुछ भी नहीं हूँ। हाँ ये बात ध्यान रखें, सोचो चॉकलेट पट जाएगी, सोनी पटेगी इतनी जल्दी, चॉकलेट तो इतनी जल्दी भाई न्यूट्रल में नहीं जाएगी भाई बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैंने रेजोनेंस क्या बता दिया, बताओ क्या बता दिया, क्या बता दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बता दी। इतना क्लियर हो गया। अब बताओ कोई डाउट यहां पे, यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई डाउट? अरे दोनों पॉजिटिव चार्ज कैसे हैं बच्चा पार्टी, पास पास हैं। जब दोनों पास पास हैं तो क्या होगा, लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयां मतलब रिपल्सन होगा, तो कैसा हो जाएगा मॉलिक्यूल, अनस्टेबल हो जाएगा। अरे कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अब तुम कहोगे सर ये नेगेटिव तो पास में तो क्यों नहीं, अरे भाई ये दूसरा घर है लेकिन यहाँ तो ये पास पास तो है ही ना, तो लड़ाइयाँ तो हो ही रही है ना, ठीक है ना। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। होना भी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब इस बार फोड़ देना है पूरा, नीट को निचोड़ के ऐसे, देखो कपड़े जैसे निचोड़ते पूरा फ्रस्ट्रेशन, इसी तरीके से नीट को निचोड़ देना पूरा अच्छे से, पूरा 100%, ठीक है। केमिस्ट्री को तो निचोड़ के आना ही है, बिल्कुल 100% निचोड़ के आना है। आगे बढ़ते हैं, तो चले आगे, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो, ले लो भाई गहरी गहरी सांसें, है ना, जिससे ऑक्सीजन जाए, थकान खत्म हो जाए, और हम भी जब तक क्या पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, एरोमेटिसिटी की ओर। कहां पे, एरोमेटिसिटी की ओर। हाँ बिल्कुल निखिल किशोर जी, निचोड़ के सुखा भी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तो क्या आएगा आंसर, ए आएगा ना आंसर, बता तो दिया शिवानी जैन, ए आंसर आएगा इसका। कर ही फिर आएंगे फिर, हाँ बिल्कुल, ड्राई क्लीन भी कर लेना, जब नीट में सिलेक्शन हो तो बिल्कुल वेल प्रोफेशनली कॉलेज में जा रहे हैं, बस फिर घर आ रहे हैं चश्मा वश्मा लगा के, जब नीट में सिलेक्शन होने के बाद बच्चे घर आते हैं फिर बात ही नहीं करते आस पड़ोस, हट हम बात करेंगे तुमसे, नहीं तुम छोटे लोग हो अब बात नहीं करेंगे, क्यों, अब तुम डॉक्टर हैं, हैं? डी ऑप्शन क्यों नहीं है, अरे बेटा देखो डी ऑप्शन तो दूर दूर है ना, नहीं पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है ना, शिवानी पाल देखो डी इसलिए नहीं है, दूर दूर है ना पॉजिटिव चार्ज, कैसे है दूर दूर, यहां पे क्या थे पॉजिटिव, हमने बताया था ना दूर दूर होंगे, देखो लिखा हुआ है पिछली स्लाइड में, क्या लिखा, टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेट फॉर अवर पार्ट, दूर दूर होने चाहिए, ठीक है। चलो अरे बेटा यहां कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ यहां पे लीस्ट स्टेबल की बात आ रही थी, तो लीस्ट स्टेबल देखना है, यदि दो लाइक चार्जेस, तभी मैंने क्वेश्चन कराया था इस पे, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो देख लो, यदि देखा जाए तो सभी में ही सेम है ना, तुम बोल रहे हो अच्छा सर सी वाले में नहीं है, है ना, यहां पे कोवेलेंट की बात ही नहीं आ रही है, थोड़ा इसमें गड़बड़ी भी हो गई, यहां पे डबल बॉन्ड होगा एक्चुअली में, कहां पे, यहां पे, लेकिन सर नेगेटिव चार्ज, अरे बच्चा पार्टी सही है, क्यों कंफ्यूज आ रहे हो शिवानी पाल जी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, सीधी सी बात है, यदि दो चार्जेस कैसे होंगे, पास पास होंगे लाइक चार्जेस, तो रिपल्सन होगा, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और दूर दूर होंगे तो सिंपल सा फंडा, दूर दूर होंगे उतना ही अट्रैक्शन होगा, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो तो चलते हैं बच्चा पार्टी किसकी तरफ, एरोमेटिसिटी की तरफ, किसकी तरफ, एरोमेटिसिटी की तरफ चलते हैं। तो एरोमेटिसिटी की तरफ चलने के लिए अपन एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, सबसे पहले लिस्ट पूछ रहा हूं, बिल्कुल शिवानी जी लिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल लिस्ट स्टेबल पूछ रहा हूं, ज्यादा स्टेबल नहीं पूछ रहा हूं, लिस्ट पूछ रहा हूं, सबसे लिस्ट सुनो क्वेश्चन, वहां पे लिखा हुआ लिस्ट स्टेबल बताना है, क्लियर हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं एरोमेटिसिटी की तरफ,
है ना। तो एरोमेटिसिटी की तरफ चलने से पहले हम बता देते हैं एरोमेटिक किसे बोलते हैं, एरोमेटिक आएगा, एंटी एरोमेटिक आएगा, नॉन एरोमेटिक आएगा, इन सब की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो देखो है ना, एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलेंगे, मॉलिक्यूल सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर। दूसरा कैसा होना चाहिए, कंडीशन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल प्लेनर हो और साइक्लिक हो। कैसा हो, साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो तीसरा है आपका कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ध्यान रख लेना। कैसा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट होना चाहिए, कहीं भी अनब्रेकेबल, ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ कंडीशन होती है जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, वो कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है ना, पूरी रिंग में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे n इक्वल टू क्या है, 0, 1, 2, 3, ... है ना। मतलब जब n इक्वल टू, अब यहां पे n क्या बोलते हैं, हुकल नंबर। n को क्या बोलते हैं अपन, हुकल नंबर बोलते हैं, हुकल नंबर, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो बच्चा पार्टी, जैसे ही हम n की वैल्यू 0 देंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर आप 1 दोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। और जैसे ही आप 3 दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो कितना आ जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपका आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो आप ये इलेक्ट्रॉन याद ही रख लो, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन याद ही रख लो। यदि ये इलेक्ट्रॉन याद रख लोगे तो आप एरोमेटिसिटी आसानी से बता दोगे, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इस बात की आप बात कर लोगे। तो देखो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूं पहले अभी। जैसे आपने ये बेंजीन का नाम तो बहुत सुना होगा, यदि पूछा जाए है ना बेंजीन के लिए ये क्या इसमें एरोमेटिक है या नहीं, तो आपने एरोमेटिक की कंडीशन पहले ही बताई थी कि आप प्लेनर होनी चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए। और प्लेनर के लिए क्या होगी, जनरली मैं बता रहा हूं, जनरली आपको क्या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देखना है। कैसा देखना है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना, वो कैसे होते, प्लेनर होते, जनरली मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे हमें बताना बेंजीन में, तो आप क्या करें, बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं, तो सबसे पहले देखो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन है कैसे, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है, कॉन्जुगेशन है। मॉलिक्यूल प्लेनर है, हाँ भाई प्लेनर भी है, ठीक है ना। अच्छा क्या कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, है ना। क्या साइक्लिक है, हाँ मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, ठीक है ना। तो अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कंपाउंड, एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो कितना क्लियर हुआ। जैसे अब मान लो बेंजीन की बड़ी बहन कौन सी है, बोलो, एक होती नेप्थिलीन, तो बताओ बच्चा पार्टी क्या ये एरोमेटिक है, बोलो क्या ये एरोमेटिक है। आपसे पाई इलेक्ट्रॉन याद रख लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ क्या ये एरोमेटिक है, तो कैसे देखोगे, हाँ भाई है, डबल सिंगल डबल, 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 मतलब कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, ठीक है ना, साइक्लिक भी है, है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे बच्चा पार्टी, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 2, एक डबल बॉन्ड में कितने होते हैं, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा हो जाएगा मॉलिक्यूल, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, यदि मान लो मैं नेप्थिलीन से भी बच्चा पार्टी बड़ा ले लूं, ठीक है ना, कौन सा, एंथ्रासीन, नेप्थिलीन की बड़ी बहन एंथ्रासीन। देखो तीनों सिस्टर्स हैं ये, इनको मैं इनऑर्गेनिक की सिस्टर्स बोलता हूं, बेंजीन की बहन है। बताओ बच्चा पार्टी ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कैसा है, पहले एरोमेटिक बताओ, अभी तो मैं एरोमेटिक वाले ही करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा बोलो, यहां पे कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हाँ भाई कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, हाँ भाई प्लेनर है, है ना। अच्छा क्या कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो आप बोलोगे एक डबल बॉन्ड, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके, डिलोकलाइज हो रहे हैं। जब 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो कैसा हो जाएगा कंपाउंड बच्चा पार्टी, एरोमेटिक हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, एरोमेटिक। क्लियर हो गया, तो अब आप बता देंगे एरोमेटिक किसे बोलेंगे, कौन से कंपाउंड करेंगे, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे, बता दोगे, ठीक है।
अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, सो डोंट वरी, ठीक है ना। अब हम इसके बाद देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शिवानी जी, बिल्कुल हर्षिता जी। भाई एक बात, एक डबल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो जितने डबल बॉन्ड है उसमें उसमें कितने मल्टीप्लाई करो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की, किसकी, एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक कैसे बोलेंगे बच्चा पार्टी, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे है ना, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे हम, सेम कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज हो जाती है एरोमेटिक से। फर्स्ट होती है प्लेनर, ये भी हाँ भाई प्लेनर होना चाहिए, वो भी प्लेनर था। दूसरा कैसा होना चाहिए, दूसरा आपका पहला प्लेनर, सेकेंड वन बताओ साइक्लिक, तीसरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहां भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, ठीक है। और फोर्थ वन है इसका, कॉन्जुगेशन हो जाए, प्लेनर हो जाए, साइक्लिक हो जाए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने डिलोकलाइज होने, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, कितने, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मतलब यहां पे एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, याद रख लेना, एन जीरो नहीं होगा, मतलब एन इक्वल टू कहां से लोगे, वन टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, फोर पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एट पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ट्वेल्व पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो फोर के मल्टीपल में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है मॉलिक्यूल में, है ना, तो बताना है आपको क्या उनसे एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक, तो बताओ बच्चा पार्टी यहां पे, ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है हाँ है, साइक्लिक है हाँ है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, हाँ भाई कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन भी है, तो कैसा हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में कितने होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, दो, तो दो डबल बॉन्ड है, टू इंटू टू मतलब फोर, मतलब कितने हो गए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया बच्चा पार्टी, कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। पता है जो बच्चे इतने लाइव इतने कम आते हैं, लाइव यदि आप डेली आओगे तो आपके पता है टॉपिक्स रिकॉर्डेड ना देख के आप यदि यहाँ पे डायरेक्ट देखते जाएंगे ना तो आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे हाल की हाल, है ना। रिकॉर्डेड दे दोगे फिर डाउट आएगा, यहाँ पे रिकॉर्डेड आप यदि लाइव देखोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा, डाउट आएगा तो आप पूछ लोगे हाल की हाल और क्लियर कर लोगे, रिकॉर्डेड में फिर आप डाउट क्लास के लिए बैठे रहोगे, ठीक है ना। इसीलिए भाई रिकॉर्डेड ज्यादा से ज्यादा देखा करो, जो बच्चे नहीं देखते हैं उनके लिए है, और जो बच्चे देखते हैं उनके लिए अच्छा है। तो देखो क्वेश्चन दे, एरोमेटिक हो गया एंटी एरोमेटिक, अब होता नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक किसे बोलेंगे, मतलब जो आपके एरोमेटिक भी नहीं है, ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक भी नहीं है, ठीक है ना, और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, जो एरोमेटिक नहीं है ना एंटी एरोमेटिक है, वो सब कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक हैं। कैसे हैं बच्चा पार्टी, नॉन एरोमेटिक हैं, कैसे, नॉन एरोमेटिक हैं, ठीक है। नॉन एरोमेटिक बोले तो, नॉन एरोमेटिक बोले तो मतलब अब कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ये सब क्या है, नॉन एरोमेटिक। देखो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। ये वाला मॉलिक्यूल ले लो, कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। अब बच्चा बोलेगा डबल सिंगल डबल सर कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, यहां पे क्या हो गया sp3, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, तो कैसा हो जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, इतनी बात समझ में आ रही है, नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक किसे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लें, एक बात मेरी, हम स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड। मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं, एरोमेटिक क्या होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगी बच्चा पार्टी, बोलो, यदि मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक। क्या पूछ रहे हैं सर, ब्यूटी कुमारी जी क्या पूछ रहे हो, नॉन एरोमेटिक। संगीता कुमारी जी, नॉन एरोमेटिक हम उन्हें बोलेंगे जो ना तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, मतलब नॉन एरोमेटिक और उन्हें बोलेंगे जो एंटी एरोमेटिक भी ना हो ना एरोमेटिक हो, दोनों ना हो, है ना।
तो वो क्या होंगे, सारे मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होंगे। कहते होंगे नॉन एरोमेटिक, मतलब ना वो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, है ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे ये कैसे हैं, ये ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल बचे हुए हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा जितने भी कंपाउंड बचे हुए हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक। कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, क्लियर हो गया ब्यूटी कुमारी जी, क्लियर हो गया। अच्छा ओके, यहां तक सभी क्लियर है, तो क्वेश्चन की ओर चलें फिर हम, तो फिर हम क्वेश्चन की ओर चलें बच्चा पार्टी। अच्छा क्लियर, देखो कल तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन से होंगे, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अच्छा तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है ना, किसकी ओर, क्वेश्चंस की ओर। तो बताना भाई, आपको बताना कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चंस करना है जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना। पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने, बताओ, बताते चले जाना, अभी नहीं पहले लिख लो नोट, इकट्ठे पूछेंगे पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, वो बोलेंगे। सर एंटी एरोमेटिक में तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो नॉन एरोमेटिक से कम स्टेबल कैसे हो। बेटा वो प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, ठीक है ना, वो प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है। एंटी एरोमेटिक आपको याद रखना पड़ेगा, वहां पे एंटी एरोमेटिक में खूब कॉन्जुगेशन हो लेकिन वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, हमेशा हमेशा याद रखना। एरोमेटिक फर्स्ट होंगे, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सेकेंड वन एंड लास्ट वन एंटी एरोमेटिक, है ना, वो प्रायोरिटी का ऑर्डर है, वो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, देखा गया, बहुत सारी रिसर्च हुई, उसके बाद उसका वो फंडा निकाला गया कि एंटी एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, लीस्ट स्टेबल। यदि आपको याद हो मैंने टॉटोमेरिज में भी आपको उस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, तो एंटी एरोमेटिक वाला क्या हो गया था, लीस्ट स्टेबल हो गया था। कैसा हो गया था निखिल किशोर जी, लीस्ट स्टेबल हो गया था, याद करो, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, प्रायोरिटी का ऑर्डर है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा अभी मत बताओ, पहले नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नोट कर दूं फिर करेंगे डिस्कस, है ना, अभी आंसर मत लिखो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। निखिल किशोर जी क्लियर हुआ, बोलो भाई, बताइए, बताओ, पहला वाला एरोमेटिक है, कैसे, डबल सिंगल डबल, है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। सेकंड वाला एक एक करके चलो, एक एक करके, नहीं तो फिर आप हॉस्पॉच हो जाएगा,
सभी ने कर लिए हैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। सेकंड एंटी एरोमेटिक, नहीं एरोमेटिक है। कैसा एरोमेटिक? देखो लोन पेयर या पाइलेक्ट्रॉन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब एक बात ध्यान रखना, जब नेगेटिव चार्ज या पाइलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिलोकलाइजेशन में होंगे, है ना, जब डिलोकलाइजेशन में होंगे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको एज अ पाइलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? एज अ पाइलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो कितने हो जाएंगे? दो दो चार और दो छः, मतलब कितने हो जाएंगे? सिक्स पाइलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ये क्लियर है दूसरा वाला? ये क्लियर है दूसरा वाला? दूसरा वाला क्लियर है? दूसरा वाला क्लियर? दो सभी का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सभी कार्बन का, है ना। अच्छा यहां पे बताओ ये कैसा हो जाएगा? थर्ड वाला, थर्ड वाला कैसा हो जाएगा? प्लस सिंगल सिंगल डबल डबल, मतलब कैसा है? तो सिंगल सिंगल आ गया, मतलब क्या नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। थर्ड वाला सही है सभी का, है ना। अच्छा यहां पे देखो फोर्थ वाला, अब ये वाला हो जाएगा कैसा? एंटी एरोमेटिक। कितने हैं? है कॉन्जुगेशन प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस सिंगल प्लस, पूरे में कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? दो और दो चार, मतलब कितने हो रहे हैं? फोर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अच्छा ये भी कैसा हो जाएगा? फिफ्थ वाला एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा ये वाला कितने? प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? दो, टू पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी? एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कैसा हो जाएगा? लोन पेयर सिंगल डबल है ना, तो मतलब यहां भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? फोर पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये कैसा हो जाएगा? प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, मतलब कैसा आ गया आपका? नॉन ए भी हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा? लास्ट वन नॉन हो जाएगा। बताओ यहां तक बता दो किसी कोई डाउट हो, यहां तक बता दो इतने क्वेश्चंस में किसी कोई डाउट हो तो मैं फिर आगे बढ़ूं। यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट हो आपको, 10 क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं पूछ लूं तो मैं आपको बताऊं, नहीं तो फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ भाई, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर। नाइन्थ बता दो सर एक बार, नाइन्थ वाले में देखो बेटा, नाइन्थ वाला अच्छे से बना देता हूं मैं, नाइन्थ वाला इस तरीके से थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना देता हूं, इससे क्लियर हो जाए। ये है, यदि इसका तो मैं ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, sp2 sp2 sp2, यहां पे क्या हो जाएगा इस वाले कार्बन sp3। तो देखो जब हाइपो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया, तो आप मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया तो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। या आप ऐसे भी देख सकते थे, प्लस सिंगल सिंगल प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल, यहां पे क्या नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, इन दो डबल बॉन्ड के बीच में क्या नहीं हो रहा है, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, मतलब इनकम्प्लीट है ना, तो कैसा हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। सर शिवानी जैन बोल रहे हैं नॉन कैसे, बता तो दिया शिवानी जैन, कौन सा डाउट पूछो नाइन्थ में, क्लियर हो गया शिवानी जैन? नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, बिल्कुल अंशिका सकलानी जी, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। टेंथ बता दो हर्षता जी, देखो टेंथ में क्या है, देखो इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहां तो रेजोनेंसी नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, sp2 sp2, यहां पे क्या हो जाएगा sp3। आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है ना, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया भाई, रेजोनेंसी नहीं है इसमें। हर्षता देखो भाई, रेजोनेंसी नहीं है इसमें, इसमें क्या नहीं है, रेजोनेंसी नहीं है, अच्छा आप बताओ कोई डाउट यहां तक, अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, क्लियर ना हो? ओके, कोई बुक लगाते हो, अब डाउट बुक में ज्यादा होते हैं या कम होते हैं ये बताओ तुम लोग, डाउट होते हैं बुक्स में? थोड़े बहुत तो आते होंगे, क्वेश्चन बन रहे हैं तुमसे, कोई भी किताब तुम सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा पार्टी। शिवानी जैन लिख रही ना, किस लिए ना लिख रही ना, किस लिए भाई? तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
आपको ये दे दिया जाए, बताओ भाई ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, कैसा है? प्लस इसको बोलते हैं फ्यूरेन, पहले नोट कर लो उसके बाद करना क्वेश्चन सॉल्व। इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं प्रिडीन, बताओ भाई यहां पे पहला वाला। सर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यूज कैसे करेंगे? नेगेटिव पाई सीएलजी काउंट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम काउंट नहीं करते हैं एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो डबल सिंगल लोन पे नेगेटिव चार्ज, फिर देखो सिंगल, फिर डबल, फिर प्लस, मतलब कॉन्जुगेशन जो पूरे में आ रहा है, मतलब क्लोज्ड भी है पूरा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। पहला कैसा हो जा रहा है, एरोमेटिक। अच्छा यहां पर देखो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में, किसमें, कॉन्जुगेशन में, ठीक है ना। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर फिर से हो गया। तो देखो सेकंड भी कैसा है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। फ्यूरेन भी कैसे होते हैं, एरोमेटिक। यहां पे पायरोल, पायरोल भी क्या है, एरोमेटिक। यहां भी कितने हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। यहां पे देखो ये वाला, ये भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज ही नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर क्या नहीं कर रहा है, यहां पे डिलोकलाइजेशन ही नहीं कर रहा है, मतलब डिलोकलाइजेशन, इसलिए हम इसके लोन पेयर क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। याद रखना सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसलिए क्या है, पिरिडीन एरोमेटिक है। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, एंटी एरोमेटिक बता देते हैं, क्योंकि इसको क्या कर लेते हैं, लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं, किसमें, कॉन्जुगेशन में, लेकिन इसका लोन पेयर क्या नहीं करता, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है यहां पर कॉन्जुगेशन में। ये वाला सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होंगे डिलोकलाइज, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पे कैसा हो जाएगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा यहां पे, बोलो, एंटी एरोमेटिक। आप पूछ लो यहां पे किसी को कोई डाउट हो। फोर्थ एरोमेटिक, हाँ आप पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई, किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ ले भाई, बताओ भाई कोई पूछना हो तो। फिर मैं एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, दो क्वेश्चन और कराऊंगा, तीन, एक मैं आपको हेड टू एटॉमिक एटम के थोड़े क्वेश्चंस कराना चाहता हूं, एक दो क्वेश्चंस, कैसे आप एरोमेटिसिटी देखेंगे। सर लोकलाइजेशन का पता कैसे चलेगा, डिलोकलाइजेशन का पता, मैंने रेजोनेंस क्या पढ़ा था, आपने रेजोनेंस पढ़ाया था, डिलोकलाइजेशन में रेजोनेंस पढ़ाया था, कैसा होता था डिलोकलाइजेशन, वही तो देख रहे हैं, सिंपली कॉन्जुगेशन बोल लो या रेजोनेंस बोल लो, रेजोनेंस ही तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे शिवानी जैन जी, यहां पे हम रेजोनेंस ही तो देख रहे हैं। ये मैंने कंडीशन बताई थी ना रेजोनेंस की, डबल प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल ट्रिपल, वो सब क्या है, कॉन्जुगेशन की तो है शिवानी जैन जी,
देखो भाई रेजोनेंस से, तभी तो मैंने रेजोनेंस के बाद यहीं पे हमने हाल की हाल क्या पढ़ा दिया आपको सर। सेकंड एंड थर्ड बता दीजिए एक बार फिर से शिवानी पाल जी। ओके बता देता हूं। सेकंड वाले में देखो लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल मतलब कितने, दो दो चार दो छह, कितने हो गए 6 pi इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। यहां पर देखो इसका भी लोन पेयर है, ये भी डिलोकलाइजेशन में है ना। तो देखो जब डिलोकलाइजेशन में है तो इसको हम कैसे काम करेंगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया भी था आपको जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आपका क्या होगा डिलोकलाइजेशन में होगा तो उसको एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे दो दो चार दो छह मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं एक बात बोल रहा हूं यहां पे थोड़ा हेटरो एटॉमिक एटम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इस तरीके से। ऐसे मान लो आपको इस तरीके कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो आपको इस तरीके कंपाउंड कैसे करने हैं समझ लो। यहां पे पायरोल का भी, हाँ पायरोल भी एरोमेटिक है, तो फिर प्यूरेन का लोन पेयर क्यों काउंट, क्योंकि वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, पिरिडीन का नहीं कर रहा है, बस पिरिडीन में एक्सेप्शन है वहां पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और प्यूरेन में भी लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है और नाइट्रोजन में भी कर रहा है, बट पिरिडीन में नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था किसी भी रिंग में दो डबल बॉन्ड रेगुलर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है शिवानी पाल जी क्लियर हो गया। अच्छा देखो जैसे मान लो ये माना हमने डबल बॉन्ड ओ दे दिया इस तरीके से, इस तरीके से दे दिया, तो देखो क्या करोगे आप, जब आपको इसका हमें क्या करो, आप एक सिंपल सा फंडा अपनाओ, इसको हेटरोटॉमिक एटम है, इसको यहां शिफ्ट करा देते हैं, तो इस पे क्या आएगा देखो इस तरीके से ही आप काउंट। अरे थोड़ा मैं स्ट्रक्चर अच्छा सा बना दूं, सुंदर सा ब्यूटी पार्लर ले जाके इससे इसमें क्या आ जाए सुंदरता आ जाए। शिवानी पाल जी क्लियर हुआ डाउट या नहीं हुआ बता देना कमेंट सेक्शन में। तो देखो यहां पे क्या आया प्लस, यहां पे क्या आ गया माइनस। अच्छा अब देख लो कॉन्जुगेशन है प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है 2 pi इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा हो गया मॉलिक्यूल एरोमेटिक। इस तरीके से कर लेते, मैं थोड़ा एक लेवल अप कर दिया, आप अच्छी बुक लगाते हो क्योंकि मुझे पता है आप मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन अच्छे करा देता हूं। और देखो जैसे ये कंपाउंड दे दिया जाए, इस तरीके से बताओ इसमें भी कैसे करेंगे, नेगेटिव चार्ज को नहीं भी कहीं भी आ सकता है ना सर आप, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है बेटा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन बोलो। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किसमें दिक्कत आ रही है शिवानी पाल जी बताना, अभी डिस्कस कर देते हैं बताओ है ना। तो देखो यहां भी सेम, आप एक सिंपल हम देखा जाए तो सिंपल हम क्या बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, देख लो तुम इनडायरेक्ट में भी देखा जाए, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ गया। ठीक है अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, लोन पेयर प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल मतलब पूरे में डिलोकलाइजेशन है, मतलब कितना होगा 6 pi इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा होगा ये भी एरोमेटिक। तो इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप कर लेना, तब नहीं होगा तब अपन कुछ नहीं कह सकते, फिर तो आपकी कंडीशन दोनों बनेंगी एरोमेटिक की भी एंटी एरोमेटिक की, दोनों सेम वाला नहीं आएगा केस। हेड टू एटोमिक एटम मैंने पहले ही बोला, हेड टू एटोमिक एटम के केस में करेंगे हम, समझे निकल के सोर जी, सेम कार्बन सेम एटम के बीच में नहीं होगा कुछ भी, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। ठीक है सर मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जो शिवानी पाल ने कहा था, अच्छा शिवानी पाल ने जो कहा था वो आप भी कहना चाहें, अब बताओ तुम लोग क्या डाउट है तुम्हारा, अब देख लें शिवानी पाल शिवानी जैन बोलो भाई क्या डाउट है, तो तुम्हारे डाउट डिस्कस कर लिए जाए पहले बताओ बताओ।
देखो बेटा, एक सिंपल सा फंडा मैं क्लियर कर देता हूँ पिरिडीन में। देखो एक पिरिडीन है, अब आप लोग ये नहीं समझ पा रहे इसका लोन पेयर क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जबकि लोन पेयर सिंगल डबल है। चलो आपने पार्टिसिपेट करा भी गया, ठीक है ना, करा भी दिया, ठीक है ना, और आपको पता है कि इस तरीके से तो एडजस्ट नहीं करेगा ना। यदि आप जब ये पार्टिसिपेट कराओगे इसमें, ठीक है ना, ये जब आप यहाँ पे डिलोकलाइजेशन कराओगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, है ना, तो इस पर तो प्लस आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, समझना, और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव। जो ये देखा जाए तो रिंग में दो डबल बॉन्ड रेगुलर नहीं आ जाए इस तरीके से, और आपको पता है रिंग में क्या नहीं करते हैं, दो डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। खोल देते हैं भाई स्लाइड। लो, यदि ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे डबल डबल बॉन्ड में ही हो रहा है डिलोकलाइजेशन। देखो शिवानी बेटा, फिर से समझ लो, यहां पे यदि देखा जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं यही चीज, हाँ ओके से क्लियर हो गया ना, यदि मैं यही चीज फिर से बोल रहा हूं, यहां पे एक्सेप्शन है, यहां पे लगता है कि पिडीन का लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन नहीं करता भाई, नहीं करता, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो रेगुलर वो डबल बॉन्ड आ जाएंगे भाई, ठीक है ना शिवानी पाल जी, है ना। तो याद रखना पिडीन में यही एक पिडीन ऐसा है जहां पे नाइट्रोजन यानी कि डिलोकलाइजेशन ही नहीं कर रहा है, लोन पे क्या नहीं कर रहा है, रिंग में डिलोकलाइज ही नहीं हो रहा है यहां पे। बोलो शिवानी पाल जी, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शिवानी पाल जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो बता दो भाई। चलो फ्यूरेन का बना देते शिवानी पाल जी, चलो फ्यूरेन का, फ्यूरेन का क्यों कर रहा है देख लो, मैं अलग स्लाइड ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जब हम फ्यूरेन का बनाएंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अरे यार अच्छा नहीं बना, अब सही बना, देखो फ्यूरेन का क्या होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, जब ये यहां शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड फिर कहां आएगा, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये लोन पेयर यहां चला जाएगा, यही तो बनेगा। फिर से बनाओ, फिर से बना सकते हो, ये बॉन्ड कहां से करा दो यहां पे, समझो शिवानी पाल जी, देखो यहां पे फिर से देखो शिफ्ट कराओ, मैं करा दूंगा बेटा डीपीपी, डोंट वरी, फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही शिवानी जी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। शिवानी पाल जी आप कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल सा फंडा क्लियर, ध्यान रखो भाई, यदि नहीं आ समय एक चीज ध्यान रखो कि पिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, किसमें, किसमें, रेजोनेंस में। आप नहीं तो यदि आप क्लियर नहीं हो तो आप खुद से बनाए स्ट्रक्चर, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप एक बार क्या करें खुद से स्ट्रक्चर बनाए तो आप क्लियर हो जाएगा। शिवानी बेटा करता हूं मैं डीपीपी प्रोवाइड कराता हूं, क्लियर हुआ शिवानी पाल जी, बोलो भाई पक्का, पक्का बताओ शिवानी जी, पक्का लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में, है ना, आपका यहां तक सिलेबस आएगा और अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चॉकलेट जरूर, ठीक है ना, चॉकलेट मत भूलना, अभी तुम लोगों के ऊपर एक चॉकलेट है, ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।